सुनो दु नारियल यहाँ धरो इन धरो भाई हाँ फिर पानी धरना रहा दु नारियल यहाँ धर दो पानी धरना रो तू कोई बात नहीं है लियो पानी डाल दो थोड़ा थोड़ा हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग टिंकू उत्तराखंड। दोस्तों आप लोग सब कैसे होगे, होप आप लोग सब ठीक ही होगे। दोस्तों आज हमारे सिंगोली गांव में भूमि देवता की मूर्ति की स्थापना हो रही है, जो आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरा का पूरा भूमि देवता की मूर्ति की स्थापना का दिखाऊंगा। चलो चलते हैं आज के ब्लॉग में। दोस्तों जिस भूमि देवता की स्थापना हो रही है उसकी डोली को सजाया जा रहा है। ये मेरे चाचा इस डोली को सजा रहे हैं और उसके बाद इसमें भूमि देवता की मूर्ति को रखा जाएगा और यहाँ से डोली चल के नीचे हमारे मंदिर में जाएगी जहाँ पे स्थापना होगी। चलो देखते हैं दोस्तों आगे का। तो अब ये देखिए, ये जो है भूमि देवता की मूर्ति, अभी इसकी स्थापना नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ से हम इस मूर्ति को लेकर जाएंगे और फिर स्थापना करेंगे। दोस्तों ये सारी हमारी सिंगोली गांव की महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी सुंदर वस्त्र धारण कर रखा है और सर में कलश रख रखा है, कलश में नारियल रख रखा है और बहुत ही सुंदर ढंग से ये लोग महिलाएँ अब भूमि देवता की स्थापना के लिए सज धज के एक पंक्ति में निकलने जा रही है। आप देखते हैं सामने सारी महिलाएं एकत्रित हैं। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं महिलाएं एक एक पंक्ति में आगे को जा रही हैं। देखिए सामने इनके सर पे कलश रखा हुआ है और बहुत ही सुंदर ये महिलाएं लग रही हैं। सब ने सुंदर सुंदर साड़ी और गहनों से लदी हुई हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड के वो है श्रृंगार है और महिलाओं के आभूषण और महिलाओं के जो सुंदर सुंदर वस्त्र आप देख सकते हैं, ये है हमारे उत्तराखंड की खासियत। तो आप देख सकते हैं सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। अब भूमि देवता की मूर्ति को यहाँ से निकाल के इसमें डोली में रखा जाएगा और यहाँ से ले जाके हम लोग इस अपने मंदिर में इसकी स्थापना करेंगे। सारे ही सारे लोग हमारे सिंगोली गांव के लोग सारे आप देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। नीचे नीचे
बात मत कर। दोस्तों आप देख सकते हैं सारी सिंगोली गांव की महिलाएं अपने सर पे कलश को लेके जा रही हैं, सज धज के निकली हुई हैं और ये पीछे में भूमि देवता की मूर्ति को लेके जाया जा रहा है स्थापना के लिए। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। तुम्हारे जिधर को चूल्हा बना रहा है उस साइड को लगवानी है ना। वो चलो दोस्तों अभी का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों आपको अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आपको अभी भूमि देवता की स्थापना का मैं दिखाऊंगा, इसका पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 में आपको मैं स्थापना का दिखाऊंगा।